अल्लाम आलकमल वर्क़ आसान दरस क़ुरान बना में आप लोगों का ख़ैर मक़दम है अब इन हम लोग शुरू करेंगे वीडियो नंबर सेवनटी नाइन सूरतम और आयत नंबर सेवनटी सिक्स छिहत्तर से मन शैतानजीम रजीम। रही कुल ए नबी अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अतापुदूना बैक बैकग्राउंड क्या चल रहा है ईसाइयों की गुमराही यहूदियों की गुमराही उनका जो में बातला कि हम ही जो है अल्लाह ताला के लाडले हैं चहेते हैं क्यों तो क्योंकि सैकड़ों रसूल हमारे इस ख़ानदान में, में आए कई किताबें अल्लाह को जो है नवाजा ता अल्लाह कहा नबीसम इनसे कह दीजिए कि अताबूना क्या तुम लोग इबादत करते हो अल्लाह अल्ला को छोड़ कर के माला यमल कोलकुम उन हस्तियों की जो नहीं मालिक हैं लकुम तुम्हारे लिए कुछ भी जर्रम वाला नफा ना जर्र का ना नफा का यानी इनसे पूछिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ करके जो अलाकुल्लिन कदीर है उसको छोड़ करके उन हस्तियों को तुम जो है इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए कुछ भी अख्तियार नहीं रखते कुछ भी ना नुकसान ही पहुंचाने का ना नफा ही पहुँचाने का वल्ला हो अलीम जबकि इसके मुकाबले में अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है अब एक तरफ अल्लाह तला है जो अलाकुल्ल शन कदीर है और एक तरफ तुम्हारे जो मबूद हैं जो कुछ भी हैसियत नहीं रखते किसकी इबादत होनी चाहिए बताओ अब यहाँ पर से यह सवाल है कि ये जो ट्रिनिटी का अक़ीदा आया तसलीस का तीन खुदाओं वाला यह अकीदा आया कहाँ से ईसाइयों में तसलीस का अकीदा तो अल्लाह ताला ने उसके तरफ इशारा किया कुल आप कह दीजिए या अहल किताब अहले किताब ला तल्लू फ़ीदी कुम तुम लोग दीन में गुलू मत क्या करो एग्जरेट मत क्या करो अब ये गुलू का चार्ज जो है बार बार किस पे लगा है अहल किताब में से अहल किताब के दो ब्रांच हैं एक यहूद और एक नसारा तो कत्ल अम्बिया का बार बार चार्ज किस पे लगेगा यहूद के बारे में क्योंकि ईसा सलाम के बाद तो बड़ा गैप हो गया छः सौ साल का तो जब भी कत्ले अम्बिया का जो है चार्ज लगेगा तो वो यहूद मुराद होंगे वहाँ पे और गुलू करने का जो है चार्ज लगेगा तो ज़्यादातर जो है ये नसारा ये दुनिया परस्ती में मुबल गुमराह हुए ये मोहब्बत में जो है हंस तजावज़ करके गुमराह हो गए और अल्लाह ताला को एतदाल पसंद है खुल या अहल किताब आप कह दीजिए अहली किताब ला तल्लू दीन कम दीन में गुलू मत क्या करो बैरल हक ना हक जहां पर अल्लाह तला ने कहा हो कि गुलू करो तो वहां पर करो लेकिन जहां पर नहीं करने के लिए कहा वहां पर भी करो वला तब अहमिन और इतबा न करो एक ऐसी कौम की ख्वाहिशा की कैसी कौम गजल्लु मिन कबल जो इससे पहले गुमराह हो गई थी अवाजल्लु कसरा उसने बहुतों को गुमराह किया अवजल्लुअसवा सबील अब बिल आखिर वो लोग सीधे रास्ते से भटक गए तब ये है नसारा को अल्लाह ताला की ताक़ीद कि तुम लोग दीन में गुलू मत करो और उस कौम की ख्वाहिश की पैरवी ना करो जो ख़ुद गुमराह हुई थी और बहुतों सो को गुमराह भी की थी और बिल आखिर गुमराहि के रास्ते पे चली गई सीधे रास्ते से भटक गई तो ये जो है तसलीस का जकीदा है कि वन थर्ड गॉड अल्लाह ताला वन थर्ड गॉड ईसा वन थर्ड गॉड होली घोष्ट तो अल्लाह ताला ने कहा कि यह अकीदा इनके यहाँ आया कहां से तो ये अल्लाह ताला ने कहा ही ये कौम जो गुमराह थी उसके हो यहां यह कौम कौन सी मुराद है तो ये जो है असल में मिस्र की कौम थी मिस्र में जो है ये अकीदा था मिस्र में जो मशरक लोग थे यानी फिरौन के ज़माने से तो वहाँ क्या था वहाँ भी ट्रिनिटी का अक़ीदा था वो लोग कहते थे कि अल्लाह भी कदीम है मादा भी कदीम है और रूह भी क़दीम है अल्लाह तबारक व तारा ने क्या किया मादा को लिया और मादा में जो है रूह फूक दी और फिर यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हो गया तो वो कहते हैं कि ये मादा जो है यानि दुनिया के जो साजो सामान है ये भी हमेशा से है रूह भी हमेशा से है और अल्लाह भी हमेशा से है जबकि क़दीम सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है तो ये तीनों जो है यहाँ पर अकीदा पाया जाता था अब यहाँ पर बस इन लोगों ने, लो ने नाम बदल दिया अल्लाह ताला की जगह पर अल्लाह तला रहने दिया और मादा की जगह पर ईसा सलाम कर दिया और रूह की जगह पर समझे के उन लोगों ने किसको कर दिया जबरीलम कर दिया या शुरुआत में मरियम को कर दिया था तो अल्लाह ताला ने कहा ये लो जो है बस कॉपी पेस्ट कर रही है आप फ़ायदा क्या होता है फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है किसी कौम में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं तो फला फला काम कर रहे हैं तो अपने मज़हब को जो है उसमें थोड़ा सा जो है डायलूट करके ढाल देंगे ताकि ये लोग जल्दी जल्दी कबूल कर लें तो अभी आप देखिए ना इंडिया में भी क्या हुआ लोग मूर्ति पूजते थे उसके मुकाबले में जो सूफिया के ने थोड़ा मज़ार का कॉन्सेप्ट दिया यहाँ भी चढ़ावा चढ़ाना है यहाँ भी तो रूह की तस्किन यहाँ भी है यहाँ भी है लोगों को लगा कि ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है बस तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी खोज लेते हैं जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम की सबसे बड़ी ख़ूबी ही ये है कि ये इसकी ख़ूबी क्या यूनिकनेस ये सबसे अलग मजहब है और हम लोग कहते हैं नहीं नहीं हम सब लोग एक ही तरह के हैं अब जहां तक ये मामला था कि इन लोगों को ज़ोम था कि हमारे में सैकड़ों अम्बिया कराम आए हैं और रसालत नबूत शरीयत तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखो जिन पर तुम लोगों को जो है फख्र है ना उनकी जबान से तुम लोगों को क्या तोहफा मिला देखो लोना लानत की गई है अल्लादीन कफर उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया है किन में से मिम बनी इसराइल बनी इसराइल में से बनी इसराइल में से जिन लोगों ने भी अल्लाह का इनकार किया, कुफर किया उन पर लानत हुई है किन की ज़बान से अला लसान दाऊद व ईसबन मरियम दाऊद के भी जबान मुबारक से और ईसाबन मरियम की भी जबान मुबारक से अम्बिया के राम भी जो है सिर्फ अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं बुरे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं खुद आप देखेंगे आप अलैहि वसल्लम के बारे में भी क्या सल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे पहले हौजे को अवसर पर पहुँच पहुँच जाऊँगा और अपने हाथ से जो है उमबत्ती को जाम पिलाऊँगा जो एक मरता पी लेगा हमेशा के लिए सैराब हो जाएगा लेकिन फरिश्ते ने कहा फिर कहा जाएगा हमसे कि नहीं नहीं ये कुछ लोगों से रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपके बाद इन लोगों ने दीन को बदल दिया था आप क्या कहेंगे कुछ भी है ठीक है लेकिन नाम तो लेता था ना बारह रबीवल को झंडा तो लगाता था ना मार खाता था तो हमारे नाम पे मार खाता था खतना तो कराता था कि नहीं कराता था जुमा की नमाज में टोपी पहनता था कि नहीं पहनता था आने तो नहीं सोहकन सोकन लेमन लिमन गैर आबादी सोकन सोकन लेमन बदल आबादी दूरी हो दूरी हो आई डोंट लाइक इट मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था जब ईसा सलाम आए तो उन्होंने भी देखा अरे ये लोग तो एकदम गड़बड़ किए हुए हैं तो खूब जहल ईसा सलाम तो इतनी लानत किया बनी इसराल को कि आप पढ़िए उनका अदाउद भी खरी खोटी सुना है ऐसा क्यों जाले का बेमास क्योंकि वो लोग नाफरमानी करते थे अब कानी आता तो उन करते थे तो आपका अपना बेटा हो और आपकी बात ना माने तो आपको नाराजगी हो जाती है एक वक्त आता है कि आपको एलर्जी हो जाती है उसके हर अच्छी बात से ख़राब बात से तो ये तो अम्बिया ग्राम है इनको तो सिर्फ जो है अल्लाह के महबूब बंदे पसंद हैं अब इन लोगों में इतनी खराबी आ गई कि उनके रसूल उन पर लानत करके चले गए इस हद तक कौम कैसे गुमराह हो जाएगी उसके वजह क्या है अल्लाह त वजह क्या बताएं कानू लातना मुनकरिन फालू वो लोग ऐसे हो गए थे कि वो लोग मना नहीं करते थे उस मुनकर से जो वो लोग करते थे यानी माशरा जो है वो मुनकर पसंद माशरा हो गया था कुछ जो है सालह लोग तो थे लेकिन इस्लाही लोग नहीं थे सालह होना अलग चीज है कि आप नेक हैं अब मुसले होना अलग चीज़ है कि आप इस्लाम साले भी हैं और इस्लाम भी चाहते हैं यानी नेकी का भी हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते भी हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है और कुरान ने सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया है दस आयतें हैं कम से कम जहाँ पर दो पहियों के मानंद अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है अम्र बिल मारो नहीं अनिल मुनकर मारूफ का हुक्म देना है तुम लोगों को मुनकर से रोकना है मारूफ का हुक्म देना है मुनकर से रोकना है मारूफ से हुक्म देना है मुनकर से रोकना है और फिर कंपेयर अगर करेंगे तो मुनकर के बारे में ज्यादा ताक़द है बनिस्बत मारूफ के ऐसे तो आपको कुरान में दस जगह आयतें मिल जाएंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल लेकिन अगर देव दोनों में से कोई पूछे जैसे बच्चे पूछते ना कि माँ बाप दोनों के हकूक हैं लेकिन दोनों में ज्यादा किसका है तो कहते हैं ना माँ का है तो आप कहेंगे कि अमर बिलमारूफ़ और नह नील मुनकर का तो बहुत हुक्म है ताकिद ही लेकिन दोनों में ज्यादा किस पर जोर है अल्लाह ताला का तो अल्लाह तला का ज़ोर है इस पर नहीं अनिल मुनकर का जबकि हम लोग चालाकी से क्या करते हैं एक तो मायने और ऑन बिजनेस का कलमा लेकर के चलते हैं अब फिर अगर करते भी तो मारूफ का हुक्म देते हैं मुनकर से नहीं रोकते बेटा नमाज पढ़ लिया करो रोज़ा रख लिया करो हज कर लिया करो जक़ात दे दिया करो शराब नहीं पी सकते अरे बा जब तो लड़ाई कर लेगा तो जाने दो कोई बीड़ी पीता है कोई शराब पीता है कोई कुछ करता है जाने दो कोई कुछ भी कर रहा जाने दो क्यों खॉ मखा के क्यों उलझने का खा मखा लगता है जबकि ये दीनी फरीजा में से है लेकिन उसको हम लोगों ने खवा मखा बना दिया तो अल्लाह तला ने कहा यह बड़ा जुर्म था तो जब ये रोक टोक वाला मामला ख़त्म हो जाता है तो वो बुराई जो है ना वो उसकी कराहियत ख़त्म हो जाती है कानू ला या तनाहना अमुनकर फालू उस माशरे का सबसे बड़ा जुर्म क्या था कि वो लोग रोकते नहीं थे उस मुनकर से जो लोग वो लोग करते थे लबे समा कानू या फलून कितना बुरा अमल था जो वो लोग करते थे करते क्या थे कि बुराई पर नहीं रोकते थे यही असल काम है अब अल्लाह तला ने कहा तरा का मिनहुम आप देखेंगे उनमें की अक्सरियत को खास तौर से यहूद की अक्सरीत को ये तो यहाँ तक समझिए कि नसारा की बात हो गई आप थोड़े से दो आयतों में यहूद की तरफ इनका मामला क्या है आप देखेंगे इनमें की अक्सरीत को क्योंकि आप का बहुत कम सबका पड़ा नसरानियों से वो इक्का दुक्का वफद की शक्ल में आए अभी बात आ जाएगी आगे लेकिन असल जो जो सबका था पड़ा था मदीने में तीन कबीले से वो यहूद का था कसीरम मिनहुम आप देखेंगे इनमें की अक्सरियत को मिनहुम यहूद की अक्सरियत को क्या करते हैं दोस्ती करते हैं किन लोगों से कफर उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया है अब कुफर के इमाम कौन थे मक्का वाले तो आप इनमें की अक्सरियत को देखेंगे कि उनकी दोस्ती यारी किन से है मक्के के काफिरों से क्यों क्योंकि वो दुश्मनी के लिए ठाने हुए हैं मदीना के मुसलमानों से जबकि ये लोग अहले किताब हैं ये भी अहले किताब हैं ये काफिर हैं तो अगर नेचुरल एलाइन भी होना चाहिए तो इन दोनों का होना चाहिए लेकिन नहीं तुम्हारी दुश्मनी में ये खुदा के मुनकर से जो है ये दोस्ती कर रहे हैं, इतने दूर भाग गए तो तरा कसिर मिनहुम ये तल्लिन कफ़रु लबे मद दमत लहुम कितना बुरा है जो इनके जान इनके लिए आगे भेजी है यानी इनके नाम आमाल कितना बुरा है कि अन सख्म का अल्लाह ताली इन पर जो है गज़बनाक हुआ वफिल आज़ाब हम खालदून और ये लोग हमेशा हमेश असाब में होंगे इसके वजह से जब हमारे आखिरी रसूल आए और मिशन का आगाज़ किए तो तुम लोग माने नहीं सपोर्टर नहीं बने और उनके दुश्मन से जाकर के दोस्ती कर लिए कितना बुरा अमल है जो तुम अपने हाथों आगे भेज रहे हो ये अब अल्लाह तबार तला ने फरमाया कि अगर इन लोगों का अल्लाह पे ईमान होता तो उसकी कुछ ना कुछ तो लाज और लिहाज जरूर करते और अल्लाह के मुनकरों से तो दोस्ती नहीं करते वलू मिन अगर ये लोग ईमान रखते अल्लाह पर वन नबी और अम्बिया कराम पर नबी पर व माँ उनसे जो कुछ भी नाजिल हुआ है उनकी तरफ यानी नबी की तरफ उस पर मत तखज अलिया तो ये लोग उनको अपना दोस्त नहीं बनाते मुराद मक्के वाले काफिरों को दोस्त नहीं बनाते वाला किन्सिर मिन हम फासकून लेकिन इनमें का अक्सरियत क्या है फासिक लोगों पर ये लोग कहते थे जो है सादा लो मुसलमानों को कह रहे कि हम लोग एक ही हैं हम भी तो अल्लाह को मानते हैं इस रसूल को भी मानते हैं बस थोड़ा सा चेक वेक कर रहे हैं और ये किताब में भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं ऐसे नहीं कि सब गलत ही हैं और हम लोग तहक़ीक कर रहे हैं कोई ऐसा मसला नहीं है हम लोग के बिज़नेस वगैरह साथ चलते रहना चाहिए तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं इनका कोई ईमान नहीं अल्लाह पर ना नबी पर ना क़ुरान पर अगर ऐसा मामला रहता तो तुम देखते कि इन लोगों से दोस्ती करते मक्के वाले से दोस्ती करते अब गफ और यहूद यहूद व हनूद के बारे में लताजन्ना का, का। शदन्नास, ए मुसलमानों या ए नबी ससर आप पाएंगे जरूर बि जरूर लाम ताक़द के लिए है और नून पर तशदीद है यह भी ताकद के लाता जिदन्ना आप जरूर बि जरूर पाएंगे अशदनास लोगों में ज्यादा शदीद अदावतन दुश्मनी के लिहाज से यानी कट्टर दुश्मन आप पाएंगे लाजमन पाएंगे किन लोगों के लिए उन लोगों के लिए लदीन आमनु उन लोगों के लिए जो ईमान लाए यानी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन आप लाजमन पाएंगे किन को यहूद, यहूदियों को वदीन अशरकू और मुशरिकों को आज हंड्रेड परसेंट बात साबित हो रही है कि नहीं यहूद हनूद का गठजोड़ है कि नहीं वलत और लाजमन लाजमन आप पाएंगे अकरबहम उनमें से ज़्यादा करीब मवाता मौद, के लिहाज से मोहब्त के लिहाज से यहाँ पर दुश्मनी के लिहाज से यहाँ पर करीब पाएंगे मबदत के लिहाज से मोहब्बत के लिहाज से लदी नामनु उन लोगों के लिए ईमान लाए हैं यानी मुसलमानों के किन को अलदीन कलु इन्ना नसारा उन लोगों को जिन्होंने कहा कि बेशक हम नसारा हैं तो जो ईसाई पर अमल करने वाले लोग हैं उनमें मुसलमानों के ताल्लुक से आप थोड़ी सी नरमी पाएंगे मवदत पाएंगे मोहब्बत पाएंगे जो ईसाई होकर भटक गए हैं वो अलग मिनटर है लेकिन जो नसारा है इन्ना नसारा हम अल्लाह के मददगार हैं कुछ ना कुछ जो है दीन पर कायम है तो उनको देखेंगे कि ये सॉफ्ट नेचर के रहते हैं मुसलमानों के बारे में और आप दौर नबी में भी आप देख सकते हैं बा के राम को जब मक्के वालों ने जीना दोबर कर दिया था तो हिजरत करके कहाँ गए थे? हबशा गए थे। तो हबशा का जो नजाशी बादशाह था जो ईसाई था उसने कैसा सलूक किया था तो कुरान के मुताबिक ही है हर दौर में भी आज के दौर में भी जो है जालिक किसी सीन। ऐसा किस वजह से है ऐसा इस वजह से है कि बेशक इनमें से कुछ जो हैं क़स्सिन हैं पढ़े हुए हैं वरोहबानन और दरवेश लोग हैं और वो लोग तकबर नहीं करते तो इसमें कुछ नेक लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं यानी दीन के जानकार लोग हैं वरुहबान और जो है दुनिया से बेनियाज लोग हैं और ये लोग तकबर नहीं करते तो लिहाजा इनको हंस जलन का मामला नहीं है बस यह गलत फहमी का मामला है जैसे जैसे गलत फहमी दूर होती चली जाती है वैसे वैसे ये लोग काइंड होते चले जाते हैं यहूद में असल में दुश्मनी का मामला है हसद का मामला है और अल्लाह ताला ने कहा एक एग्जाम्पल भी देख लो एक वफ़द आया था आप के पास वईज़ा समय माउन झैला रसूल और जब सुना उन लोगों ने यानी वो ईसाई वफद ने माउन जैला रसूल उस चीज़ को जो नाजिल हुआ है रसूल की तरफ यानी कुरान मजीद को तो ईसाई एक वफद आया था सल्लम ने उसके लिए कुरान सुनाए तो जैसे ही वो लोग कुरान सुने क्या हो गया कैफियत बदल गई कैसे तरा आयु नुम तफीजो मन नदम आप देखते हैं उनकी आंखों को के आंसू बह पड़ती हैं आंसू निकल रहे हैं मिम्मा अरफू मिनलह बस अब अब इसके उन्होंने हक को पहचान लिया ये तो वही नामोश है जो जहाँ से इंजील निकला है वहीं से ये कुरान भी आया है फिर चीख पड़े कुलूना वो लोग या कोलू ना वो चीख पड़े रब बना आमन्ना है हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए वक्तुबना माशाहदीन और तू लिख ले हमें गवाही देने वालों में से ये भी अल्लाह का कलाम है और हम इसको मानते हैं फिर झटक दिए जो भी ख़्यालत आ रहे थे वमालाना और हमें क्या हो गया है में मनबिल्ला के हम ईमान ना लाए अल्लाह पर वमा जान हक जबकि हमारे पास हक आ गया है अवनतमत ख लना रब बुना और हमारी ख्वाहिश है कि हमारा रब हमें दाखिल करे कहाँ माल कौम सालीन साल कौम के साथ तो जब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताली हमको साल कौम के साथ दाखिल करे तो अल्लाह ताला की बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़े तो हम ही लाते हैं अल्लाह ताला अब आयत देखिए तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसे लोगों की दुआ कैसे नहीं कबूलों फासा बह तो बेमा अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अता किया अल्लाह ने उनको बदले में दिया बसब इसके जो उन्होंने कहा क्या दिया जन्नत बागात तजरीनत ल्हार जिनके दामन में नहरे बह रही होंगी खाल दीन अफिया जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे वजाल जजासिन और ये है मोहसिन का बदला अब ये देखिए वो लोग बस हक का कबूल किए और अल्लाह तरफ से बशारत आ गई इसके बरक्स जो कुरान सुनने के बाद जो है वल्लदीन कफ़रु जिन्होंने इनकफ़्र कियाकार किया अब क़स जबू बे आयातना और हमारी आयतों को झुटला दिया नहीं 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 ये अल्लाह तला के तो कलाम ही नहीं है ये खुद से गढ़ लिए हैं तो बुलाए का सबलजहीम ये लो जहन्नम वाले हैं आग वाले हैं तो दोनों अल्लाह ने कंट्रास्ट बता दिया तो ये समझे कि वल्लदीना गफ़रु से मुराद जो है ये यहूद हैं और ऊपर जो बात आई थी वाइजा समय से सातवें पारा के आगाज़ से वो नसारा हैं तो अल्लाह ताला ने आप हिस्ट्री से भी नबी से भी आप जो है दलील ले सकते हैं कि हबशा वालों ने कैसा सलूक किया कुरान में जो ये वफद आया है इन इनका भी मामला क्या था अल्लाह ताला ने कहा कि क़्यामत तक जो है कमो बेश कभी ज़्यादा कभी कम लेकिन तीन गुरु में से वो ज़्यादा हार्ड दुश्मन जो है वो मुसलमानों का कौन रहेगा यहूद रहेगा आज जाके गजा में देख लीजिए एक एक बच्चे का दुश्मन है वो फिर ये हुनूत को देख लीजिए और तीसरे नंबर पर आप देंगे नसारा को तो इनमें से कुछ लोग जो है उनके चंगुल में आए रहते हैं और बकिया जो है सॉफ्ट नेचर के रहते हैं तो यहाँ तक हो गया अब इन लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे जजाक